गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, गायनी कंसल्टेंट, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, ये हमें क्या क्या दिक्कतें कर सकते हैं और इसका हमारा क्या समाधान है, हम इन तीन एस्पेक्ट पे आज बात करेंगे। तो फाइब्रॉइड आप मानिए एक तरह की रसौली होती है, जो कि इंग्लिश में हम इसे ट्यूमर कहते हैं। ये अपनी जगह ही बढ़ती है, ये किसी दूसरी जगह नहीं फैलती। जो चीज़ें दूसरी जगह फैलती हैं वो कैंसर होते हैं, जो चीज़ें अपनी जगह ही साइज बढ़ाती रहती हैं उनको हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये जो गर्भाशय की मांसपेशियां होती हैं उसी से उत्पन्न होती हैं और उनको हम लियोमायोमा, फाइब्रॉइड्स, रसौली, ट्यूमर आम भाषा में ये बोलते हैं। तो ये जो होती है ये कई तरह की होती है, पोजीशन पे बेस्ड होती है। ये कई बार जो गर्भाशय होते हैं उसकी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इनको हम सबसीरियस फाइब्रॉइड बोलते हैं। जब उसकी दीवार में, उसकी वॉल में, मायोमेट्रियम में बढ़ती है उन्हें हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। कुछ अंदर की तरफ बढ़ती है उनको हम सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। ये जहां पे होती है उसी प्रकार के सिम्टम्स करती है। तो कई बार जब ये बाहर की तरफ होती हैं तो इनका आकार बढ़ता जाता है और मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। दिक्कतें तब होती हैं जब इसका साइज बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तब वो भारीपन की समस्या के साथ आते हैं। जो पेशेंट्स के ये वॉल में होती है, मायोमेट्रियम में होती है, तो ये पीरियड्स में पेन, अधिक माहवारी होना, इस तरह की समस्याएं करती है। ऐसे पेशेंट्स ज्यादातर जल्दी आते हैं अपनी तकलीफों के साथ। और जो अंदर की तरफ होती है सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स, वो दिक्कत करती है, बहुत अधिक माहवारी आना, माहवारी में दर्द होना। और ये वाली जो ट्यूमर होते हैं जो अंदर की तरफ होते हैं, ये ज्यादातर गर्भ ना धारण करना, इनफर्टिलिटी, बार बार अबॉर्शंस होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी करते हैं। तो इनका क्या ट्रीटमेंट है, क्या सर्जरी ही इनका ऑप्शन है, क्या हम इनको किसी और तरीके से ठीक नहीं कर सकते? दोस्तों ऐसा नहीं है, हर फाइब्रॉइड को सर्जरी नहीं चाहिए होती है। पहले हमारी कोशिश होती है कि जितना मेडिसिन से काम चले उतना हम आपका काम मेडिसिन से ही आपको ट्रीट करें। लेकिन अगर इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, आपको पीरियड्स बहुत ज्यादा आते हैं और आपको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है और आपकी जो सिम्टम्स है वो मेडिसिन पे कंट्रोल नहीं हो रहे, तब सर्जरी आपको एडवाइस की जाती है। या फिर कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते लेकिन उनको इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि कंसीव नहीं कर पाते, या बारी बारी अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उन पेशेंट में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट एडवाइजेबल होता है। इसकी सर्जरी दो प्रकार से होती है, इनफैक्ट तीन प्रकार से होती है। एक तो होता है कि पेट पे जीरा लगा के आपकी रसौलियां निकाली जाए। एक ये दूरबीन लैप्रोस्कोपिक माध्यम से होती है। लैप्रोस्कोपी में तीन छोटे छोटे छेद होते हैं, 3 से 4, उनके माध्यम से इसको निकाला जाता है। एक हिस्ट्रोस्कोपी होती है जो कि स्पेसिफिकली सब म्यूकस फाइब्रॉइड के लिए होती है, जो कि छोटे सब म्यूकस फाइब्रॉइड होते हैं जो 3 से 4 सेंटीमीटर तक के, उनको हिस्ट्रोस्कोपी से भी निकाला जा सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में डालें और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उनके उत्तर हम देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।